पाकिस्तान ने भारत को लेकर के दिया बयान, भारत हैरान। और फ्रांस ने निभाई दोस्ती, यूएनओ में कर दी बड़ी बात। जर्मनी ने भारत के पक्ष में आकर के बोली बात, चीन ने जताई नाराजगी। ताइवान भी खरीदेगा अब वही ड्रोन। दरअसल पाकिस्तान ने भारत को लेकर के एक बयान दिया है। उसने कहा, पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप में हम शांति स्थापित करना चाहते हैं और भारत के साथ नया ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें भारत के ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। वहीं जर्मनी के राजदूत ने भारत में आकर के एक बयान दिया, जिसमें उसने यह बोला कि अरुणाचल प्रदेश पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है, जिसमें चीन ने नाराजगी जताते हुए यह कहा कि हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं पड़ना चाहिए। दरअसल जर्मनी तीसरा देश बना है जिसने बोल दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। इससे पहले यूएसए और जापान बोल चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, इसमें चाइना क्लेम ना करे। आपको बता दें कि किसी भी राजदूत का बयान उस देश का बयान माना जाता है, जिससे चीन बहुत ज्यादा नाराज हुआ है। और अक्साई चीन को लेकर के अभी तक कोई बयान नहीं जारी हुआ है। और फ्रांस ने निभाई दोस्ती, यूएनओ में भारत को वीटो पावर और परमानेंट सीट देने की बात कही है और कहा कि हम भारत का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन ही भारत के परमानेंट सीट को समय समय पर विरोध करते रहते हैं, जिसके कारण भारत को आज तक वीटो नहीं मिल पाई। आपको क्या लगता है भारत को वीटो कब तक मिलेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ताइवान भी खरीदेगा MQ-9 ड्रोन, वही ड्रोन जो भारत को खरीदने की बात चल रही है, वही ड्रोन अब ताइवान भी अमेरिका से खरीदने की बात कर रहा है, जो 2025 में ताइवान को भी दिया जाएगा, जिससे वह चाइना से निपट सके। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।